हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। हम आ गए फिर से एक ब्लॉग लेकर के। आज है शादी का ब्लॉग बनाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। हम लोग आ गए हैं गया और रात 3 बजे हम लोग पहुँचे, तो तब भी हम कुछ बना नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी सुबह 9 बज रहा, अभी उठे हैं जस्ट, और उठते ही देखे हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट आ गया, गरम गरम कचौड़ी जलेबी सब्जी। सो हम लोग बैठ गए सभी खाने के लिए, बहुत ज़्यादा भूख भी लगा था। और यहाँ पे अनीता आया, पिक्चर दिया है। और ये है हम लोग का ब्राइड, जो हम लोग का फ्रेंड है। देखिए जॉन, उनको थोड़ा सा मसाज दे रहा था क्योंकि 3 दिन से वो फास्टिंग में था, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो थोड़ा सा रिलैक्स करवाया जॉन उससे। और यहाँ पे रिलैक्स करते ही बैठ गया मेहंदी लगाने के लिए। उनका भाभी को मेहंदी लगा रही है मेरा सिस्टर और फ्रेंड। और उसके बाद हम लोग तैयार हो जाएंगे, और यहाँ पे तैयार हो गए हम लोग, जा रहे दूसरे होटल में जहाँ पे वो उसका शादी होने वाला था, वहाँ पे तैयार, वहीं पे खाना हम लोग खाएंगे। और यहाँ पे खाना खा के आ गए हैं, शाम बज गया है 6, और यहाँ पे रिचुअल स्टार्ट हो चुका है। अभी ब्राइड को हम लोग मेकअप कराने के लिए बैठाएंगे, रेडी करेंगे, और अभी शाम का 6:30 बज चुका है। जल्दी जल्दी मेकअप स्टार्ट कर दिए हम लोग। और यहाँ पे फर्स्ट बार हम लोग मेकअप कर रहे हैं कोई ब्राइड को, तो हम लोग नाइटी पहनते हैं, हमारा मेरा सिस्टर। और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि नाइटी पहन के कर रहे हैं। यहाँ पे फाइनली ब्राइड रेडी हो चुका है, और यहाँ ब्राइड का भाभी है जिससे नेकलेस पहना रहा है जॉन। सो मैंने वीडियो बनाया थोड़ा बहुत, और देखिए फाइनली लुक फ्रेंड का, देखिए कितना प्यारी लग, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी सुनीता, बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे जॉन थोड़ा सा वीडियो बनाया उसका, और यहाँ पे हम दोनों रेडी हो रहे थे। हम लोग को देरी हो गया, सारा फैमिली पूरा रेडी हो चुका है, और दूसरा होटल भी चल गया है, और कुछ ही बाकी थे हम लोग। और यहाँ पर देखिए दूसरा होटल मांगा है, यहाँ पे बराती पहुँच गया है गेट पर, और सभी डांस कर रहे थे। यहाँ पे है दूल्हे राजा डांस कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे मतलब स्वागत हो रहा था। अभी काफ़ी रात हो चुका है, और हम लोग अभी खाना खाने के लिए आ गए हैं, और थोड़ा बहुत खाना खाए, और यहाँ पे और भी जो शादी का है वो जो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सुनीता को लेके आ रहे थे सभी स्टेज में, अभी जयमाला होने वाला है, तो वही हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, और जॉन ने वीडियो किया आने वाला वीडियो। हम लोग भी पीछे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और इसलिए हम पीछे ही थे। और यहाँ पे देखिए स्टेज में लेकर के आया, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी था, और सुनता कूटने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लहंगा बहुत भारी था। यहाँ पे जयमाला आरती स्टार्ट हो चुका है। सो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। और जैसे हर वीडियो को आप लोग सपोर्ट करते हैं, वैसे ही आप लोग ये वीडियो को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए, और जयमाला हो गया है यहाँ पे शादी का, और भी गहना चढ़ाने वाले थे तो वो फ्रेंड को लेके आया। और यहाँ पे शादी ख़त्म हो चुका है, अभी विदाई का समय हो गया। अभी भोर 5 बज रहा था, विदाई हो रहा था, और हम लोग होटल से अभी पहुँचे जस्ट। और देखिए यहाँ पे जॉन को देख कर तो बहुत ज़्यादा रो रही थी वो, और मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, मैं भी रोने लगी। यहाँ पे आंसू आ ही गया, क्योंकि ऐसा ही मोमेंट रहता है इस समय कि सच में इमोशनल होना ही है किसी को भी। मतलब हम तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। यहाँ पे हम पकड़ के फ्रेंड को रो रहे थे, वो हमको जैसे ही देखा वैसे पकड़ के रोने लगी, तो मैं भी रो दी यहाँ पे, और मेरा सिस्टर भी थोड़ा सा उसको बाय बोला। और यहाँ पे होते ही मतलब विदाई होते ही हम लोग भी अभी ये निकल जाएंगे, अभी ये रेडी होकर के एक ही बार में हम लोग वो होटल छोड़ करके ये होटल में आ गए हैं। अभी विदाई होने के बाद ही हम लोग अपना स्टेशन पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम लोग का ट्रेन है कितना 7:30 8 बजे यहाँ पे हम लोग ट्रेन में चढ़ गए हैं। और चलिए वीडियो इतना ही है, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय सभी को।